आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के तराई क्षेत्र में नहर का निर्माण कर रही मेंटेना कंपनी पर स्थानीय लोगों ने किसानों की पट्टे की जमीनों पर जबरन नहर निर्माण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जिन जमीनों को अधिग्रहित कर मुआवजा दिया जा चुका है, उन जमीनों में निर्माण करने की बजाय भूमाफियाओं से साठगांठ कर न सिर्फ नक्शा बदल दिया गया बल्कि पट्टे की जमीनों पर निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल यह मामला रीवा के तराई अंचल के ग्राम गाढ़ा का है। बताया गया कि जिस भूमि का किसानों द्वारा मुआवजे की राशि ली जा चुकी है, उस भूमि पर नहर की खुदाई का कार्य नहीं किया जाकर बल्कि दुर्गा तिवारी सहित अन्य किसानों की पट्टे की भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है। पट्टे की भूमि में जबरन कराए जा रहे नहर निर्माण को लेकर दुर्गा देवी सहित स्थानीय किसानों ने तहसीलदार जबा, कलेक्टर रीवा व एवं मेंटेना कंपनी के ठेकेदारों सहित एसडीएम तेथर को आवेदन देकर सही सीमांकन कराकर नहर निर्माण करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कंपनी के ठेकेदार अपनी हठधर्मिता पर उतारू है।